हिसार के समीपवर्ती गांव ढूंढर में राशन उपभोक्ताओं ने घटिया राशन मिलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर हिसार के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। बाद में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में डिपो पर घटिया किस्म का राशन मिल रहा है। घटिया राशन खाने से लोग बीमार हो सकते हैं, ऐसे में डिपो संचालक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में काफी जरूरतमंद लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, उनके बीपीएल कार्ड बनवाए जाने चाहिए। बताते चले कि ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और साफ सुथरा राशन दिलवाने की मांग उठाई है। सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रकाश ने बताया कि गांव में डिपो पर घटिया किस्म का राशन मिल रहा है। घटिया राशन के खाने से लोग बीमार हो सकते हैं, ऐसे में डिपो संचालक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज का प्रदर्शन सर हमारा इसलिए है कि गांव में काफी लंबे समय से डिपो पे घटिया प्रकार का राशन वितरित किया जा रहा है, जो कि खाने योग्य भी नहीं है। और दूसरा, कुछ जो मजदूर लोग हैं, महिलाएं भी, काफ़ी विधवाएं भी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 50-50 साल उनको वहाँ बैठे हुए हो डंडूर में, आज तक उनके बीपीएल कार्ड नहीं बनाए गए। तो हम चाहते हैं कि उनके जल्द से जल्द बीपीएल कार्ड बनाए जाएं, ताकि इस महामारी को देखते हुए वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सकें। ये अनेकों समस्याएं हैं गाँव डंडूर की, जिनकी मांगों को हम लेकर यहाँ पहुँचे हैं और डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे। पहले काफ़ी टाइम हम मिल चुके हैं सर, कोई सुनवाई नहीं होगी। आगे का ये रहेगा कि देखते हैं अभी डीसी साहब क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।